वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका हाथरस की अंजलि की ब्लॉग में। बट फिलहाल अभी आपकी अंजलि है बनारस में, जो कि मैं आई हूँ शूट के पर्पज से। बट अभी शूटिंग में आपको नहीं दिखा पाई हूँ। आई होप हो सकता है कि जाते जाते जब भी शूटिंग का मौका मिले, मुझे टाइम मिले, तो मैं आपको दिखा दूंगी। बट उससे पहले जिस घर में रह रही, पहले आपको वो घर दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हमारा घर किस ग्राउंड में है वो दिखाऊंगी, देन उसके बाद जो भी होगा फिर आप देखते रहना बारीकी बारीकी। चलो गाइस, ये हमारा हाउस जिसमें हम रह रहे हैं। अब पहले आपको घर दिखाऊंगी, बाद में पहले इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ बाहर ये किस ग्राउंड में है। ठीक है, एक्सप्लोर करा देती हूँ मैं आपको। देखो दूर दूर तक बहुत बड़ी प्लॉटिंग है। ये हमारी कार है जो कि हम इसमें जाते हैं शूट पर। देन ये यहाँ पे, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, आप बता देना मुझे कमेंट में। तो देखो, और वो सामने जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, वो स्कूल है जो चारों तरफ, मतलब इस घर के बीच में, बीच के बता रही हूँ मैं, इसके तरफ ग्राउंड ग्राउंड है। बट थोड़ी दूर जाके आवाज़ दिए भी है थोड़ी बहुत, बट हम जा रहे हैं वहाँ थोड़ा ग्राउंड ही करना। बट ये घर बन रहा है, अभी रेडी भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलो अंदर एक्सप्लोर कराते हैं हम आपको। चले पड़ते हैं, हमने अंदर एंट्री कर ली है। ठीक है, तो पहले अंदर एंट्री कर ली मैंने। ये इसके साइड से बालकनी है जो कि ये जा रही है। ठीक है, अभी बाहर के गेट पर ही हूँ मैं, इधर से ये खुला हुआ है, यहाँ से पीछे से भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अंदर जाने का गेट है। अभी फिर चलते हैं हम बैक होके यहीं से। ठीक है, ये अभी मेन गेट है ना, देख लिया आपने, मेन गेट से फिर देन अंदर चलते हैं। देन ये रूम, ये मतलब अंदर आ गए हम। ये है किचन, देन ये है बाथरूम, और देन ये है रूम। ठीक है, ये हो गया एक फ्लोर। फिर इसके अंदर फिर आते हैं, ये आ गया ये कांगन। फिर इसके अंदर और चलते हैं, तो वो है हमारा बाथरूम, वो है हमारा रूम। पहले अपने रूम में चलते हैं हम। तो ये है हमारा रूम, यह है मेरा रूम। देन मैंने आपको बाहर से दिखाया था बालकनी, वो लंबी थी, यही खिड़की है वहाँ से निकलने वाली। तो यह है मेरा रूम, सेम ऐसा ही रूम बराबर में लड़कियों का है। तो आंगन से निकलते ही बाहर, यह दूसरी लड़कियों का रूम। देन यहाँ से निकलते ही आप देख सकते हो ये है किचन। देन ये हमारी किचन, तो यहाँ मोनिका बना रही है चावल। ठीक है, तो देन यहीं से लौट के, मैंने आपको बताया था ना वो गेट था जो, हाँ गेट दिखा देती हूँ आपको। बाहर निकल रही मैं फिर से इससे, तो ये वही वाला बाहर से बता रही थी ना आपको गेट, यहाँ सामान वामान का आइटम है सब बंद करने का, ये अंदर वाले किचन में जहाँ मोनिका खड़ी थी वो वाला गेट है। देन इसी से हम ऊपर चलते हैं। देन ये हमारा ऊपर जाने का जीना। ठीक है, ये ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे हैं हम, ये ऊपर का। देन ये ऊपर करो, ये फिर वही वाला नीचे से हमने एंट्री की थी ना ऐसे ही है। ये है बाथरूम, देन ये है किचन जो सबसे फर्स्ट वाला दिखाया था। देन इसके बराबर में एक रूम है, देन ये बड़ा रूम है। यहाँ पे ये दीदी वगैरह सो रही है। हाय, इनका नाम है ज्योति। क्या नाम है आपका, नाम बताओ ना, नाम बताओ। कोई नहीं है, ब्लॉगिंग बना रही हूँ। अच्छा, नाम बता दो। हेलो दोस्तों, मैं पूजा। तो कैसे हो? तो ये भी हरियाणवी वीडियो में काम करती है, ये इनका सामान वगैरह रखा है। देखो मैं आ गई ऊपर, सबसे नीचे थी ना वहाँ पे थी मैं, वहाँ खड़े होके आपको दिखाया था मैंने गाड़ी के सामने। तो ये आपको एक बार ऊपर से दिखा देती हूँ। देखो भाई, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। देन यहीं से हम बैक अंदर को वो लेते हैं। ठीक है, देन ये मैंने खोला गेट। ठीक है, गेट खुलते ही ये फिर से हमारा ऐसे तीसरा चीना आके छत पे जाने के लिए। ये वही रूम है, ऐसी एक रूम ये है, एक रूम ये है, और एक दिस किचन, ये है किचन। ठीक है, तो यहाँ पे भी लड़की खाना बना रही है, बट नीचे भी छोटी है ऊपर भी छोटी है, दोनों छोटी छोटी खाना बना रही है। देन हम चलते हैं अभी छत पर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। ये सबसे ऊपर वाला छत का, यानी सबसे ऊपर जाते हैं हम छत पर। ठीक है, ये मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये है छत, देखो इतनी बड़ी भाई। ये सबसे ऊपर मैं छत पर आ गई हूँ। ये दूसरा, मतलब इतनी बड़ी है, पता नहीं कितने गज में होगा, मुझे नहीं पता। तो सबसे ऊपर आ गई हूँ मैं। ठीक है, ये सारी छत आपने देख ली है।
गाइस आई होप आपने सब मतलब जगह समझ गए होंगे, घर भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं, अभी मोनिका बना रही है खाना, खाना वाना खाएंगे, थोड़ी भूख लग रही है फिर से, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करने के बाद थोड़ा फिर दोबारा चावल खा लिए थे, देन चावल खाने के बाद फिर दोबारा फ्राई करवा रहे हैं चावल, वो रात के चावल खाए थे हमने, फिर थोड़े चावल बनवा रहे हैं, फिर खाना वाना खा लेंगे, चावल खा लेंगे, उसके बाद थोड़ा मस्त हो जाएंगे, मस्ती करेंगे, फिर शाम को खाना वाना खाएंगे, फिर ब्लॉग को एंड कर देंगे, ठीक है। ब्लॉग अच्छा लगा करे तो लाइक और शेयर तो कमेंट कर दिया करो यार, क्या जाता है आपका लाइक और शेयर कमेंट करने में, कुछ नहीं जाता तो कर दिया करो, ठीक है। पूजा दीदी आप इनसे मिल लो, दीदी मेरे गाइस को इंट्रोडक्शन करो। हाँ जी, मेरा नाम पूजा है और मैं रियाणी से हूँ, हमारा जिला भिवानी है और मैं रियाणी की छोटी सी कलाकार हूँ। मैं छोटी मोटे सॉन्ग या फिर कॉमेडी करती हूँ, इससे ज्यादा अभी तक तो कुछ नहीं करती। और आज मैं इस दीदी के साथ हूँ, अंजलि, यहाँ पे हम शूटिंग करने, अंजलि नाम है, यहाँ पे शूटिंग के पर्पज से आए हैं, तो मैं सात लोग कर, सब लोग कर रहे हैं मिलके, और भी लड़कियां हैं, सबसे मिलवाऊंगी ये करके, ठीक है। और ये कैसी लगी ये बताना कमेंटमेंट की, बातें कैसी लगी, ठीक है। मुझे तो अच्छी लगती है इनकी आदत, बातें सारी कुछ अच्छी लगती है, और ऐसे इंसान का स्वभाव होना चाहिए, कहीं बाहर जाए तो सबको मिलके रहना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी है बहुत आदत की, और ये भी एक कलाकार है हरियाणा की, आप लोग भी सपोर्ट करना। इंस्टाग्राम आईडी बता दो अपनी, आई एम पूजा, और आप ब्लॉक में बने रहे, आगे फिर मिलेंगे, हम यहीं पे हैं काफी दिन तक, 20 दिन, 25 दिन, जितना दिन रहेंगे एक साथ ही रहेंगे, कंटिन्यू आपको ब्लॉग रोज आएंगे, ठीक है। ओके जी, ओके। अगर आप लोग कहोगे रोज ब्लॉग में साथ लाना तो बता देना कमेंट में, रोज लाके आया करूंगी फिर, ठीक है, ठीक है। तो गाइस दूसरी दीदी भी आ चुकी है, तो इनका नाम है सोनू, बट लड़को ऐसा नाम है बट कोई मानता नहीं है। रियल नेम क्या है दीदी आपका? सोनू शर्मा। सोनू शर्मा यही है। तो दीदी ये भी दीदी शूटिंग करने आई है, सब शूट से आए हैं, तो एक एक करके सबसे मिलवा दूंगी मैं आपको, फोन चला रही है, बिजी है। क्या करने आए हैं बता दूंगा इसको? शूटिंग करने आए। तो शूटिंग में मन लग रहा है आपका? नहीं। हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो मन लग रहा है हमारा, और टाइम हो गया, मतलब 4:20 हो रही है, टाइम पता नहीं चलता, कम निकल जाता है। ठीक है चलो फिर मिलवाएंगे और किसी से भी। को यहाँ चोटी बना रहे हैं, चोटी बड़ा कंप्लीट हो जाना, तो फिर आपको कंप्लीट चोटी दिखाऊंगी, ठीक। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, भूल जाती हूँ मैं। तो ब्लॉग कल का कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि मैं सबसे पहले वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। रात को हमने बनाया था आलू के पराठे एंड गोभी के साथ, ठीक है, तो वो हमने खा लिए, वो हम नहीं दिखा पाए, हमें टाइम ही नहीं मिला था इतना, तो बस जितना दिखाया उतना दिखाया, कल से लेके आज तक का ब्लॉग। क्या बोल रहा है? इसलिए नहीं दिखा पाए, भूख बहुत लग रही थी। बोल रहा हाँ भूख बहुत तेज लग रही थी, तो इसलिए हमें खाने से फुर्सत नहीं थी, तो हमने सोचा ब्लॉग क्या बनाएंगे, पहले खा लेते हैं यार, अब खाने के बाद नींद इतनी तगड़ी वाली आई, बहुत तगड़ी वाली। तो आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करना, ठीक है, और एक एक बारी से सबसे मिलवा दूंगी, लड़कियों से घर भी दिखा दिया, होम टूर करा दिया मैंने आपको, जितना दिखाना था बनारस की गलियाँ भी दिखा दी, और जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ भी एक्सप्लोर कराऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। तो जब तक आप इसी ब्लॉग को प्यार देना, घर भी दिखा दे, दो तीन लड़कियों से मिलवा भी दिया और लड़कियों से भी मिलवा दूंगी, तब तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो, और बनारस के ब्लॉग का इंतजार ही करते रहो, आते रहेंगे, ठीक है, बाय।